हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास एट्स हनी ड्यू की सिक्स लेसन द जोडिस फोन की क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। तो वर्किंग विद द टेक्स्ट, व्हाई डिड पैनी बाक्स्टर अलाउ जॉडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट। तो पैनी बाक्स्टर ने जॉडी को क्यों अनुमति दी ढूंढने और पालन पोषण की छाने को। तो बिकॉज पेनी वॉज अग्रीड, सहमत था बाय जॉडीज आर्ग्यूमेंट, जॉडी के तर्क से, दैट इट वुड बी अनग्रेटफुल, कि ये कृतज्ञता होगी इफ़ इट दे लेफ्ट, यदि वे छोड़ देते हैं फोन छोने को इन द फॉरेस्ट जंगल में टू स्टार्व, भूख के मरने के लिए। ही रियलाइज दैट जॉडी वॉज राइट एंड अलाउड हिम। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर विल्सन मीन व्हेन ही सेड नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री। तो डॉक्टर विल्सन का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि नथिंग, कुछ भी नहीं इन द वर्ल्ड, इस संसार में, एवर कभी कम्स आता है, क्वाइट फ्री बिल्कुल मुफ्त। तो डॉक्टर विल्सन मीन्ट दैट पेनी मस्ट पे बैक टू द डो होम ही हैड killed for his own। तो उनका मतलब था कि पैनी को जो है हिरनी के लिए कुछ करना चाहिए, यह हिरनी को मतलब पे करना चाहिए, देना चाहिए, होम जिसे ही हैड किल्ड, जिसे उन्होंने मार दिया था, टू हिज ओन, उनके अपने स्वार्थ के लिए। तो नाउ थर्ड, व्हाई हाउ डिड जॉडी लुक आफ्टर द फोन, हाउ डिड जॉडी लुक आफ्टर द फोन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। तो इसका मतलब कि जॉडी कैसे देखभाल करेगा छोने की, आफ्टर बाद ही एक्सेप्टेड उसके स्वीकारने के रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी फॉर डूइंग दिस, ऐसा करने की। तो जॉडी लुक आफ्टर द फोन लाइक ए मदर एंड मेड इट ड्रिंक मिल्क विद हिज फिंगर्स। This is how a mother feeds her baby। कैसे किया उसने ना। How does Jody's mother react? Jody की माँ ने कैसे प्रतिक्रिया दी when जब she hears, वो सुनती है कि he is going to bring, वो लाने जा रहा है फोन छोने को घर पर। How does she react in this way? Why does? क्यों उन्होंने इस तरह से, this way, इस तरह से प्रतिक्रिया दी। तो Jody's mother turned up her nose when she heard that he was going to bring back the phone। तो जॉडी की मदर ने अपनी नाक चढ़ाई जब उन्होंने सुना कि वो छोने को लाने जा रहा है। शी रिएक्ट हर अनविलिंगनेस, उन्होंने अपनी अनविलिंगनेस यानी अनिच्छा जाहिर करी इन दिस वे, इस तरह से अपनी अनिच्छा जाहिर करी।